So the people who were persecuting me were Christians. क्योंकि जो लोग मेरे को सता रहे थे वो मसीही लोग थे. And I didn't understand why they would do that, even my own flesh and blood. और मैं ये नहीं समझ सकती थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों करेंगे, इसके बावजूद कि वो मेरे खुद के मांस और लहू है. So when I was in this room, तो जब मैं इस कमरे में थी, I shared previously, पिछले बार मैंने आपको बताया, spirit of suicide and spirit of depression came over me. निराशा और आत्महत्या का जो आत्मा है वो मेरे ऊपर आ गया था. And started telling me to kill myself. और मुझे ये कहने लगा कि तुम अपने आप को मार डालो. But God's voice from within my heart. लेकिन मेरे हृदय के अंदर से परमेश्वर का वचन. And I believe because I spent time with God. और मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया है. Because I spent time in His Word. क्योंकि मैंने उनके वचन को पढ़ते हुए समय बिताया है. That's the very reason. यही कारण था. The Spirit of God from within rose up and told me. कि मेरे हृदय के अंदर से परमेश्वर की आवाज आई और मुझे बोलने लगी. It is very important to stay in His Word. ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में रहे. एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड टोल्ड मी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, दैट नो यू आर नॉट गोइंग टू किल योरसेल्फ, कि नहीं तुम अपने आप को नहीं मार डालोगी. यू आर गोइंग टू लिव टू शो दिस पीपल हु आई एम, तुम जियोगी और इन लोगों को दिखाओगी कि मैं कौन हूँ. एंड गॉड्स नेम विल बी ग्लोरिफाइड थ्रू माय लाइफ, और प्रभु का नाम मेरे जीवन के द्वारा महिमा में पाएगा. सो देयर वाज दिस वॉर ओवर माय लाइफ फॉर 2 weeks. तो मेरे जीवन में ऐसा एक युद्ध 2 हफ्ते तक चला. एंड देयर वर पीपल इन द स्कूल एंड इन चर्चेस आल्सो इन अमेरिका, और स्कूल में, कलीसियाओं में और अमेरिका में ऐसे लोग थे. They were praying for me. वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे. They found out what was going on. उनको पता चला कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था. Because I knew some of the people from the school. क्योंकि मैं स्कूल में कुछ लोगों को जानती थी. And my brother and my sister-in-law. और मेरे भाई और मेरी भाभी. They were very close to me. वो मेरे बहुत करीब थे. And out of all the brothers and sisters, और सारे भाई बहनों में, they were the only ones that stood with me. सिर्फ वो ही थे जिन्होंने मेरे को सहायता दिया. Because my brother understood, क्योंकि मेरा भाई समझ पाया, how important it is, कि कितना जरूरी है, for me to learn the word of God, कि मैं परमेश्वर के वचनों को सीखूं. He knew my heart. वो मेरे हृदय को जानते थे. He was a brother that I loved because he loved his wife. वो एक ऐसे भाई थे जिनसे मैं बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो अपने पत्नी से प्रेम करते थे. And growing up, I saw the example, the way he treated his wife. और जब मैं बढ़ रही थी तो मैंने देखा कि किस प्रकार वो अपने पत्नी के साथ व्यवहार करते थे. He even taught her how to drive. उन्होंने उन्हें गाड़ी चलाना भी सिखाया. He will always push her to do better. वो हमेशा उनको उत्साह दिलाते थे कि वो कुछ अच्छा करे. And he also let his wife go to Bible classes. उन्होंने अपनी पत्नी को बाइबल की कक्षा पाने के लिए भी भेजा. He let her go to Bible college. उन्होंने उन्हें बाइबल कॉलेज भेजा. So he always encouraged me also. तो वो मुझे भी उत्साह दिलाते थे. And he stood with me. और वो मेरे साथ थे. So when I was persecuted, it's a powerful thing. वो एक बहुत ही सामर्थ्य बात होती है. It is very important to always pray. ये बहुत ही जरूरी है कि हर वक्त हम प्रार्थना करें. And I felt those prayers. और मैंने उन प्रार्थनाओं को महसूस किया है. And in 2 weeks. और 2 हफ्तों में. My mom came to me. मेरी माँ मेरे पास आई. And she told me. और उन्होंने मुझसे कहा, that we have decided as a family. कि हमने पूरे परिवार के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है, to let you go back to school. कि तुम वापस स्कूल जाओ. Go back to Bible college. Bible college जाओ. Because I had done few classes before. क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ कक्षाएं पढ़ चुकी हूँ. So the thing was broken. The depression and suicide was broken. और वो निराशा की आत्मा और आत्महत्या की आत्मा जो है वो टूट गई. I was so happy. और मैं इतनी खुश हो गई. So when that spirit was broken, तो जब वो आत्मा टूट गई थी, I was able to eat. मैं खा सकी. I was able to shower. मैं नहा सकी. I was able to pray and read my Bible. मैं प्रार्थना कर पाई और परमेश्वर के वचन को पढ़ सकी. And I was very excited to go back. और मैं वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक थी. And that year I finished. और उस साल मैंने खत्म कर दिया. And end of that year, उस साल के अंत में, my family came to me and told me, मेरा परिवार मेरे पास वापस आके कहने लगा, that you have finished 1 year, तुमने 1 साल खत्म कर दिया है, and we want you to stop, और हम चाहते हैं कि आप बंद कर दो. And I was so puzzled, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. And I said to my mom, why? मैंने अपने माँ से कहा, क्यों? See,
they still didn't understand what I was doing. Going to Bible college was a good thing for me. मेरी माँ और मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों ने ये सोचा कि बाइबल कॉलेज जाना अभी तक मेरे लिए अच्छा नहीं है. And I said to my mom. और मैंने अपनी माँ से कहा. That I have made this decision. कि मैंने ये निर्णय ले लिया है. Because I felt the strength of God coming from within me. क्योंकि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर से आते हुए देख रही थी. And voice of God. और परमेश्वर का वचन. That said. उनकी आवाज जिसने कहा. When I looked at my mom. जब मैंने अपनी माँ को देखा. That I said to her, you cannot stop me. मैंने उनको कहा कि आप मुझे रोक नहीं सकते. The only way you can stop me. आपको मुझे रोकने का एक ही रास्ता होगा. You will have to kill me. कि आपको मुझे मार डालना होगा. Because I told her earlier, you threatened my life. You wanted to kill me. क्योंकि मैंने कहा कि पहले आपने मेरे जीवन को खतरे में डाला और आप चाहते थे कि मैं मर जाऊं. And I said to her, मैंने उनसे कहा, that I have to do this. The Lord is calling me. मुझे ये करना ही है. प्रभु ने मुझे बुलाया है. And I said, go ahead and kill me. That's the only way you can stop me. मैंने कहा आप आगे बढ़ के मुझे मार डालिए. इसी तरीके से आप मुझे रोक सकते हैं. Because I could not stop what I had started. जिस चीज को मैंने शुरू किया उसको मैं अंत नहीं कर पा रही थी. The Lord was calling me. प्रभु ने मुझे बुलाया था. And she knew that I was very serious. मेरी माँ जानती थी कि मैं बहुत ही इस बात को लेके बहुत ही दृढ़ हूँ. And I said, I'm just going to pack my bags and leave. मैंने उनसे कहा कि मैं अपना बस्ता बांध के चली जाऊंगी. And for an Indian girl in Indian culture to say that. एक भारत की लड़की को इस संस्कृति में ऐसे कहना. In my country. मेरे देश में. Was a shame. एक शर्मिंदगी की बात है. Because daughters don't leave home until they are married. क्योंकि बेटियां जब तक शादी ना होगी घर को छोड़ के नहीं जाएंगी. It will be a shame in a village for me to just pack and leave. एक गांव में मेरे लिए एक शर्मिंदा की बात होगी कि मैं अपने सारे कपड़ों को लेकर चली जाऊं. Because everybody is going to say your daughter ran away. क्योंकि सब कहेंगे कि इनकी बेटी भाग गई. But I was very serious. लेकिन मैंने ये निर्णय कर लिया था. Because all I was going to do was just go to Bible college and then come back home. मैं सिर्फ यही करने जा रही थी कि मैं बाइबल कॉलेज जाकर वहाँ की पढ़ाई खत्म करके घर वापस आ रही थी. There was nothing else I wanted to do. इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करना चाहती थी. So my mom knew that I was very serious. मेरी माँ जानती थी कि मैं इसे करने वाली हूँ. And they let me go. और उन्होंने मुझे छोड़ दिया. And I believe that what I had gone through. मैंने विश्वास किया कि जिससे भी मैं होकर गुजरी हूँ. The persecution that I went through. ये सताव जिसे मैं गुजरी हूँ. That's what made me so strong. उसी ने मुझे इतना सामर्थ्य बनाया है. Because I was willing to die now. क्योंकि मैं अब मरने के लिए तैयार थी. I wasn't afraid anymore. अब मैं डर ही नहीं थी. So sometimes there are some things that comes into our life as trials and temptations. तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे काम और ऐसे बातें आती है जो हमें परीक्षा में डालती हैं. एंड पर्सिक्यूशन बिकॉज द लॉर्ड वांट्स टू मेक अस स्ट्रांग. परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाना चाहते हैं. ही वांट्स टू मेक अस स्ट्रांग. वो हमें सामर्थ्य बनाना चाहते हैं. इन हिम. उनमें. इन हिज वर्ड. उनके वचनों में. कैन वी बिलीव हिम. क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं. कैन वी ट्रस्ट हिम अंटिल द डेथ. क्या हम मृत्यु तक उन पर विश्वास कर सकते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हिम. ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानें. एंड व्हाट ही कैन डू फॉर अस. और ये कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं. वंस ही इज कॉलिंग यू. एक बार जब उन्होंने आपको बुलाया. अराइज. खड़े हो जाइए. एंड ट्रस्ट हिम. और उन पर विश्वास करिए. ही इज अ फादर. वो एक पिता है. ही विल नेवर लेट यू डाउन. वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे. यू नो वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन द बाइबल. बाइबल में एक वचन है. Is one of my favorites. वो मेरा एक सबसे खास वचन है. He gave me this scripture during the time of persecution. उस सताव के समय में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया. Jeremiah 29:11. यर्मिया 29 का 11. 11 and 12. The Lord says, For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray for me and I will listen to you. 11 और 12. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा. I want you to know something today. मैं चाहती हूँ कि आप आज एक बात को जान लें. इफ गॉड हैज अ प्लान एंड पर्पस फॉर योर लाइफ. अगर परमेश्वर के आपके जीवन के लिए एक कल्पना और योजना है. देयर इज नथिंग.
ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और nobody और कोई भी नहीं हो सकता who can thwart the plan and purposes of God जो परमेश्वर की कल्पनाएं और योजनाओं को रोक सके for your life आपके जीवन में only you can सिर्फ आप कर सकते हैं by not believing in him परमेश्वर पर विश्वास ना करने के कारण by not totally depending on him जब आप परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते तब because he has a plan for your life क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है of peace and not evil कुशल की और दुष्टता की नहीं to give you future and a hope आपको एक भविष्य और विश्वास देने के लिए it is very important to know his word बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें so all this turmoil when it was going on in my life ये सारी बातें जब मेरे जीवन में हो रही थी God had a plan for my life प्रभु के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी that's why I was feeling this small little voice इसीलिए मुझे छोटी सी आवाज सुना दे रही थी and the enemy was trying to use my family और शैतान जो है वो मेरे परिवार का इस्तेमाल कर रहा था and some of the beliefs from the culture aur us sanskriti ke koi vishwasho ko to pull me down jisse ki wo mujhe niche khinch le to destroy me ki mujhe nash kar de to kill me mujhe maar de but there were people faithful believers of god who were praying aise vishwas yogi vishwasi the jo mere liye prarthna kar rahe the so I want to say to you to main aapse batana chahti hu every one of us when we give our lives to the lord हम में से हर एक जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को दे देते हैं द बाइबल सेज फ्रीली यू हैव रिसीव्ड सल्वेशन बाइबल कहती है कि उद्धार को आपने मुफ्त में पाया है फ्रीली यू गिव उसे मुफ्त में दीजिए वी ऑल आर कॉल्ड इन गॉड हम सभी को प्रभु ने बुलाया है सो वंस वी गेट सेव्ड तो एक बार जब हम उद्धार पा चुके होते हैं वी ऑल आर कॉल्ड हम सभी बुलाए जाते हैं बिकॉज द बाइबल सेज क्योंकि बाइबल कहती है फ्रीली यू हैव रिसीव सेल्वेशन आपने मुफ्त में उद्धार को पाया है फ्रीली यू गिव उसे मुफ्त में दीजिए एंड द बाइबल सेज गो इनटू द वर्ल्ड और बाइबल कहती है कि संसार में जाओ मे बी यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर शायद आप कहीं भी नहीं जा पाते I want to encourage you today. मैं आज आपको उत्साह देना चाहती हूँ. Maybe you do not have chance to stand behind the pulpit. शायद आप पुलपिट के पीछे नहीं खड़े हो पाते. But wherever you are, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं, in life, जीवन में, or you're going to school, आप स्कूल जा सकते हैं. You're going to a market, आप मार्केट जा सकते हैं. You're going shopping, आप कुछ खरीदने के लिए जा सकते हैं. I encourage you. मैं आपको उत्साह दिलाती हूँ. To ask the Lord. कि आप प्रभु से मांगे ऑलवेज बी अवेयर ऑफ गॉड हर बार परमेश्वर के बारे में सोचते रहिए आस्क हिम लॉर्ड हु कैन आई प्रे फॉर उनसे पूछते रहिए कि आज मैं किसके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ लॉर्ड हु कैन आई एनकरेज प्रभु आज मैं किसको उत्साह दे सकती हूँ लॉर्ड ब्रिंग समबडी इन माई लाइफ दैट आई कैन शेयर योर वर्ड प्रभु ऐसे किसी को मेरे जीवन में लेकर आइए जिससे मैं आपके वचन को बता सकूं। बिकॉज वी ऑल हैव टेस्टिमोनी क्योंकि हम सभी के पास गवाहियां हैं गॉड हैज सेट अस फ्री फ्रॉम समथिंग प्रभु ने हमें किसी बात से छुड़ाया है देयर इज लॉट ऑफ नीड आउट देयर इन द वर्ल्ड टुडे इस संसार में बहुत सारी जरूरतें हैं सो द लॉर्ड सेट मी फ्री तो प्रभु ने मुझे छुड़ाया है ही हैड अ प्लान फॉर माई लाइफ उनके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू आज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ ऑल द पर्सिक्यूशन एंड टर्मोइल दैट वेंट ऑन विद माई फैमिली मेरे परिवार में जितना सताव और परेशानियाँ आई थी इट्स ऑल फॉरगिवन एंड टेकन केयर ऑफ वो सब माफ किया गया है आई हैव फॉरगिवन देम एंड दे हैव फॉरगिवन मी मैंने उनको माफ कर दिया और उन्होंने मुझे माफ कर दिया बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट दे वर डूइंग क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वाज डूइंग इन माय लाइफ वो नहीं समझ रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं सो इन माय हार्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम तो मेरे हृदय में उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है दे लव गॉड वो प्रभु से प्यार करते हैं एंड दे आर ऑल सर्विंग गॉड और वो सब प्रभु की सेवा करते हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर व्हाट गॉड हैज डन और आज जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया उसे सोच के मैं बहुत ही खुशी हूँ ही इज ब्रॉट रिकॉन्सिलिएशन बैक उन्होंने हमारे जीवन में एकता लेकर आया है अर्लियर आई हैड शेयर्ड पहले मैंने आपको बताया दैट आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू में नहीं है इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज एंड द पावर्स एंड द स्पिरिट दैट वर्क बिहाइंड एंड यूज पीपल द इविल स्पिरिट वो उन दुष्ट आत्माओं के काम है जो लोगों को इस्तेमाल करता है और हमारे जीवन में परेशानी लाता है दैट्स व्हाई
the persecution went on. इसीलिए वो सताव जारी रहा. But God wins at the end. लेकिन अंत में प्रभु विजय होते हैं. Because He is a faithful Father. क्योंकि वो एक विश्वास योग्य पिता है. He has a plan for my life. उनकी एक योजना है मेरे जीवन के लिए. He has a plan for your life. उनकी एक योजना है आपके जीवन के लिए. Every one of you. आप में से हर एक. If you are listening today. अगर आज आप सुन रहे हैं. I want to share with you. मैं आपको बताना चाहती हूँ. How merciful and how powerful our God is. कि हमारे प्रभु कितने करुणामय और कितने सामर्थी हैं. What He has done for me, He can do for you also. उन्होंने जो मेरे जीवन में किया वो आपके जीवन में भी कर सकते हैं. To Him, it doesn't matter where you come from. उनके लिए इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं. How poor or how rich? आप कितने गरीब या कितने अमीर हैं? Which nation? आप किस देश से हैं? He is same yesterday, today and forever. आज कल और युगानुयुग प्रभु एक सा है. He has a plan and a purpose for our lives. हमारे जीवन के लिए उनके पास उद्देश्य और योजनाएं हैं. He is calling you in this season. उन्होंने आपको इस समय बुलाया है. I know that you have a testimony. मैं जानती हूँ कि आपके पास एक गवाही है. And some of you are going to have testimony. और आप में से कईयों के पास गवाही आने वाली है. As we share from His word. और जब हम परमेश्वर के वचन से बता रहे हैं. It is not about us, it is about God and His word. ये हमारे बारे में नहीं है, ये सिर्फ प्रभु और उनके वचन के बारे में है. His word brings life. उनका वचन जीवन लाता है. Know His word. उनके वचन को जानिए. And the word will set you free. और वचन आपको छुटकारा देगा. He is calling you today. आज वो आपको बुला रहे हैं. All of you who are out there who are struggling. आप में से हर एक जो उधर है और परेशानियों का सामना कर रहे हैं. There is things going on in your life. आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है. The Lord says you are the apple of His eye. प्रभु कहते हैं कि आप उनके आंखों की पुतली में हो. You are His sons and His daughters. आप उनके बेटे और बेटियां हैं. He has a plan and a purpose for your life. आपके जीवन के लिए उनके पास उद्देश्य और योजना है. Don't let anybody bring you down. किसी को भी अनुमति ना दीजिए कि वो आपको नीचे गिराए. Whenever anybody tries to curse you, जब भी कोई आपको श्राप देने की कोशिश करे, do not receive those words. उन शब्दों को आप अंगीकार मत करिए. Return it back where it comes from. जहाँ से वो आया वहीं पर वापस भेजिए. Because the Lord is on your side. क्योंकि प्रभु आपकी ओर है. The God of this universe is on your side. इस संसार के प्रभु आपकी तरफ है. Don't let the pressures, the discouragement of this world. इस संसार की निराशा और सामर्थ्यों को to bring you down. अनुमति ना दीजिए कि वो आपको नीचे लेकर आए. Don't let these negative voices in your head. इन गलत शब्दों को आपके सर पे घुसने मत दीजिए. To bring you down. ताकि आपको नीचे खींचा जाए. Because that's who the enemy is. क्योंकि शैतान और आपका दुश्मन यही करता है. He has come to kill and destroy. वो मारने के लिए और नाश करने के लिए आया है. But Jesus Christ came so you can have life. लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप जीवन प्राप्त करें. You know, if you don't know His word. आप जानते हो अगर आप उनके वचन को नहीं जानते. Find a Bible. एक बाइबल को पा लीजिए. If you cannot read. अगर आप पढ़ नहीं सकते. Ask, go and buy the words on a tape. आप कैसेट या सीडी में परमेश्वर के वचन को खरीदिए. And you put it in the radio. और उसे उस रिकॉर्डर में डालिए. And you listen to it. और उसको सुनिए. Part of my family couldn't read. मेरे परिवार के कुछ लोग पढ़ नहीं पाते थे. So I went and bought them Bible on the CD. तो मैंने उन लोगों के लिए बाइबल जो CD में है वो खरीद के लाई. And if there's people in your family or you are listening and you don't know how to read. और अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं या आप ऐसे हैं जो सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते. You also go and buy the CDs. आप भी जाकर ऐसे सीडियों को खरीद लीजिए. बाइबल इज सोल्ड ऑन सीडीज एंड टेप्स. बाइबल को सीडी और टेप में भी बेचा जाता है. एंड यू पुट इट इन द रेडियो. आप उसे वीसीडी में डालिए. एंड यू लिसन. और उसे सुनिए. गेट टू नो द वर्ड. और परमेश्वर के वचन को जानिए. गेट टू नो द गॉड ऑफ द वर्ड. वचन के परमेश्वर को जानिए. इफ योर हार्ट इज विलिंग. अगर आपका हृदय इच्छुक है. ही विल मेक अ वे. परमेश्वर एक रास्ता बनाएंगे. So as we come to the end of this program, तो जैसे हम इस कार्यक्रम के अंत में आते हैं. I want you to remember Jeremiah 29:11. मैं चाहती हूँ कि आप यर्मिया की किताब 29वें अध्याय और उसके 11वें वचन को याद रखें. It says, "For I know the thoughts that I think towards you," says the Lord. वो कहता है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. Thoughts of peace and not of evil.
वह हानि की नहीं वरन कुशल की है. टू गिव यू फ्यूचर एंड अ होप, ताकि आपको एक भविष्य और विश्वास मिले. एंड यू कॉल अपॉन हिम एंड ही विल लिसन टू यू, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुझे सुनूंगा. लेट्स प्रे राइट नाउ. आइए हम प्रार्थना करें. फादर इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लॉर्ड आई प्रे फॉर एवरीवन लिसनिंग आउट देयर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो सुन रहे हैं, दैट यू हैव अ प्लान एंड पर्पस फॉर देयर लाइव्स, कि आपकी एक योजना उनके जीवन के लिए है. लॉर्ड आई ब्रेक द पावर ऑफ डिस्करेजमेंट, प्रभु मैं निराशा की हर एक सामर्थ को तोड़ देती हूँ. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, Lord, I speak a breakthrough in their hearts. प्रभु उनके हृदय में मैं कुशलता को बोलती हूँ. Breakthrough in their lives, उनके जीवन में एक बदलाव को. Breakthrough in their families, उनके परिवार में एक बदलाव. Lord, I come against the spirit of suicide once again in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आत्महत्या के आत्मा के विरुद्ध आती हूँ. Let go of God's people. परमेश्वर के लोगों को छोड़कर चला जा. And I speak freedom. और मैं छुटकारा को बोलती हूँ. And there will be many testimonies that will come out, Lord God. प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा बहुत सारी गवाहियाँ आएंगी. As your word is spoken. और जैसे आपका वचन बोला जाएगा. We thank you, Lord, for touching your people out there. प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने लोगों को छू रहे हैं. Lord, cover them with your precious blood. प्रभु अपने पवित्र लहू से उन्हें ढक लीजिए. That no harm will come near them. ताकि उनके पास कोई भी नुकसान ना जाए. I speak reconciliation in the families. परिवार में एकता को बोलती हूँ. That there will be no division anymore. उनके परिवार में एकता बनी रहेगी. And I thank you, Lord. मैं आपका धन्यवाद देती हूँ. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Thank you for listening and God bless you. सुनने के लिए धन्यवाद. प्रभु आपको आशीष दे. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.